The long-pending AK-203 rifles deal with Russia under Make in India has got a move ahead. Russia अब भारत को देगी 70,000 AK-203 rifles, जो मिलेंगी भारत को अगले 6 महीने में ही. इंडियन आर्मी की वैसे तो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है 7,70,000 AK-203 assault rifles, जिसमें से 1,00,000 इंपोर्ट की जाएंगी और बाकी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी. कुछ महीनों पहले हम मिले थे व्लादिमीर ओनोकॉय से IDX एग्जीबिशन पे और उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया था AK-203 के बारे में. उन्होंने बताया था कि इसका रेट ऑफ फायर है 600 बुलेट पर मिनट, यानी 10 बुलेट पर सेकेंड. जो डील रशिया के साथ अभी भारत ने साइन की है उसके हिसाब से TOT होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और कोई रॉयल्टी ऑन वेपन्स चार्ज नहीं की जाएंगी. जो एग्रीमेंट तय किया गया है उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट है 5,125 करोड़ टू बी अप्रोक्सीमेट. वैसे तो AK सीरीज की सारी ही राइफल्स बहुत ही मशहूर हैं. इनमें से AK-47 शायद सबसे ज्यादा मशहूर है क्योंकि 1947 में डिजाइन की गई थी और 1949 तक इसका इस्तेमाल होने लगा था, और ये जानी जाती है अपनी ईज ऑफ यूज और रिलायबिलिटी अंडर हार्श कंडीशंस में. आप किसी से भी पूछ लें, वो आपको AK-47 चाहे गर्मी हो या सर्दी, कभी जैम होकर आपको धोखा नहीं देती. आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन MJ अगस्टिन विनोद सर, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे AK-203 डील के बारे में और इस वेपन के बारे में. तो आइए सर से सबसे पहले जानते हैं AK-47 और AK-203 के बीच का डिफरेंस. AK-47 और AK-203 का कंपैरिजन करते हैं. पहले AK-47 थोड़ा सा पुराना वर्जन है और AK-203 एक नया वर्जन है. AK-47 आपने बहुत लोगों से सुना ही होगा कि वो एक ऐसा राइफल है जिसको आप पानी में भी डाल दीजिए और साल भर बाद निकाल के फायर कीजिए, वो फायर करता है. फील्ड कंडीशन में AK-47 बहुत अच्छे से फायर करता है, लेकिन AK-47 का सबसे बड़ी खामी क्या थी कि वो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम थी. वो रिकॉइल और जो साइडवेज स्विंग है उस पर बहुत उस पीड़ित था. तो क्लोज कॉम्बैट में, क्लोज क्वार्टर वेपन के तौर पे वो ठीक था, लेकिन जहाँ आपकी रेंज 100-200 मीटर से दूर हो जाता था तो AK-47 टारगेट पे मार नहीं करता था. इतनी आसानी से वो टारगेट पे लगता नहीं था. AK-203 में जो AK-47 की जो फंडामेंटल कमी थी उसको उन्होंने दूर किया है. उसकी जो रिकॉइल फैसिलिटी हो या उसका बट डिज़ाइन हो, वो सब इतना एर्गोनॉमिकली बनाया है कि वो जो रिकॉइल है एकदम सीधी आए और जो वेपन मजल जंप जिसको बोलते हैं वो कम से कम हो. इसके अलावा उस पर आप नाइट स्कोप लगा सकते हैं, स्नाइपर स्कोप लगा सकते हैं, और उसका फ्रंट ग्रिप बिल्कुल चेंज करके दिया हुआ है ताकि क्लोज क्वार्टर वेपन जो क्लोज क्वार्टर में भी वो आप एक हाथ से भी चला सकते हैं या स्टेडीनेस के लिए दोनों हाथ से भी चला सकते हैं. तो इस तरह की जो एर्गोनॉमिक चेंजेस की वजह से AK-203 एक एक्यूरेट वेपन हो गया है AK-47 के मुकाबले. इसके अलावा उसकी मेटलर्जी में भी फ़र्क लाया है और इसको हम को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत हम इसको अपने सेना के लिए भी बनाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में हम इसको एक्सपोर्ट भी करें. AK-47 AK-20 से काफी भारी है. AK-47 का वजन है 4.8 kgs और AK-203 वजन है 4.1 kgs. AK-47 को बनाया गया था उसकी रिलायबिलिटी के लिए और ताकि उसे मास प्रोड्यूस किया जा सके, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया था. लेकिन अब ये मजल राइज कंपनसेटर्स जैसी चीजें लगा के मजल को गोली चलाने के बाद 9:00 डायरेक्शन में उठने नहीं देते, इसीलिए अब AK-203 जैसी AK सीरीज में इफेक्टिव रेंज काफी बेहतर हो गई है. AK-47 का रेंज तकरीबन था 300 मीटर, AK-203 का इफेक्टिव रेंज विद आयरन साइट्स है 400 मीटर, जो बेटर स्कोप्स एंड साइट्स के साथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है. इंडियन मिलिट्री दुनिया की टॉप 5 मिलिट्रीज में मानी जाती है, लेकिन ये काफी समय से एक अच्छे असॉल्ट राइफल के तलाश में थी. इसका अभी तक मेनस्टे वेपन था इंसास, यानी इंडिया स्मॉल आर्म सिस्टम. इंसास में काफी कमियां थी और ये कमियां कारगिल युद्ध के दौरान ही इंडियन सोल्जर्स को पता चल गया था. गन जैम हो जाना, मैगजीन का क्रैक हो जाना और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कॉम्बैट ऑपरेशन ना कर पाना इसकी बहुत बड़ी कमियों में से थी.
शुरू शुरू में जब इंसास जब हमने इंडक्ट किया तो हमने देखा कि AK-47 के खिलाफ इंसास का काम चल नहीं रहा है काउंटर टेररिज्म में और काउंटर इंसर्जेंसी में, तो हमने वहाँ पे AK-47 यूज़ करना शुरू किया। शुरू शुरू में हमने जो कैप्चर किया वही AK-47 यूज़ करते थे, फिर हमने खरीदारी भी करी और हमने AK-47 CICT में हम लोग अभी AK-47 ही यूज़ करते हैं। और AK-203 एक सीमलेस चेंज जिसको बोलते हैं, एक आसानी से एक अच्छा वेपन हाथ में आ जाएगा, उतना ही लंबी दूरी मार करने वाला वेपन है जो टेररिस्ट के हाथ में। इंसास और इसके बीच में कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि इंसास एक फेदरवेट चैंपियन है, तो AK-47 जो है हैवी वेट चैंपियन है और लंबा चौड़ा वेपन है, 600 मीटर तक आपको मारता है जबकि इंसास से आप 300-400 मीटर तक आपको जाना पड़ता है। तो ये सब मद्देनज़र एक बहुत अच्छा चेंज है। एक 70 के दशक में 80 के दशक में ऐसा चला था कि ह्यूमन राइट्स और इन सब चीज़ों के आधारित किसी ने यूनाइटेड नेशंस पे और बाकी देशों पे दबाव बनाया कि 7.62 जो है 7.62 वो जो राउंड है वो तो मारता ही है, अगर आपको ह्यूमेनली मारना है तो 5.56 एक अच्छा डायमीटर है वेपन का। तो हमारा इंसास बना 5.56। 5.56 mm की बुलेट्स को ये कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये वेपन्स की ओवरऑल वेट और रिकॉयल दोनों को कम करेगी और साथ ही ये शूट टू इनकैपेसिटेट प्रिंसिपल पर वर्क करेगी, यानी कि ये सिर्फ चोट पहुंचाएगी। लेकिन ये भी सच है कि 5.56 mm आतंकवादियों को मारती नहीं, सिर्फ चोट पहुंचाती है। AK सीरीज 7.62 mm की बुलेट्स यूज करती है जो है शूट टू किल प्रिंसिपल पर बनी, इसीलिए उग्रवादी 7.62 mm बुलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे देश जहां आतंकवादियों से इंडियन मिलिट्री को लगातार सामना करना पड़ता है, वहां 5.56 mm की छोटी बुलेट्स के आतंक को खत्म करना मुश्किल है। इसीलिए 2017 में इंसास को रिटायर और रिप्लेस करने का फैसला लिया गया। कहा जाता है असॉल्ट राइफल्स को चेंज करने की सबसे बड़ी वजह थी 2016 में हुई पठानकोट अटैक। 2 जनवरी 2016 में 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक किया। ये अटैक तकरीबन 2 दिन तक चलता रहा। 4 जनवरी को जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तब तक हमारे 6 बहादुरों को वीरगति प्राप्त हो चुकी थी। उस समय पे इंडियन एयरफोर्स के पास इंसास राइफल्स थे। सर से जानना चाहेंगे कि अब एयरफोर्स और नेवी पे इस डिसीजन का क्या असर पड़ता है। थल सेना के बारे में हमने बात कर ही लिया है, लेकिन नौसेना और वायुसेना में क्या फर्क आएगा? अभी नौसेना और वायुसेना में बेस सिक्योरिटी हो या बाकी कामों में जहां स्मॉल आर्म्स यूज करते हैं वहां पे अभी भी इंसास ही यूज कर रहे हैं, वहां पे जब AK-203 आ जाएगा तो बेस सिक्योरिटी पे काफी फर्क पड़ जाएगा। आज की तारीख में जो भी बेस सिक्योरिटी हो रहा है वो इंसास से हो रहा है, जो जैसे मैंने कहा 300-400 मीटर का रेंज में ही वो काम करता है। AK-203 जब आ जाएगा तो पुराने ज़माने में एक 7.62 राइफल हुआ करता था, उस वो जगह पर ये AK-203 ले लेगा और लंबी दूरी तक अगर जैसे पठानकोट जैसा कोई सिचुएशन आए तो उसमें हमें बहुत ये काम देगा। इसके अलावा आपको फ्यूचर पोटेंशियल को भी देखना ज़रूरी है। हमारा ही सेना में बहुत ये सारा वेपन जो है इंसास की जगह ये AK-203 आ जाएगा और एक बैटल प्रूवन वेपन है और ये बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे बनने वाला है और अपने ही सेना में काफ़ी खपत होने वाली है इसकी। लेकिन फ्यूचर में हम इसको एक्सपोर्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। AK-47 में जो आधुनिक स्कोप्स और ये सब चीज़ों को लगाने का फैसिलिटी नहीं था तो AK-56 आया और उसके बाद के गन्स आए, लेकिन AK-203 जो है अपने हाई ऑल्टीट्यूड बैटल और काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म बैटल को मद्देनज़र उसको इस तरह से बनाया है कि हमारी जो सारी अलग अलग एड ऑन्स हो, लेज़र पॉइंटर हो, नाइट विजन स्कोप हो या लॉन्ग रेंज स्नाइपर स्कोप हो, सारा कुछ उसमें लग जाएगा। उसमें वेरी अलग हैंडल है, डबल अगर मैगजीन लगाना है आपको वो भी अवेलेबल है। सो ये एक इसको कहते हैं ना, एक वेपन ही नहीं उसके साथ जो एड ऑन पैकेज आ रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैकेज है, जिसकी वजह से हमारे सेना के कैपेबिलिटी, थल सेना की कैपेबिलिटी, स्पेशली इन्फेंट्री की कैपेबिलिटी एकदम ही बढ़ जाएगी।